चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे अपने फेसबुक आईडी को चेक कर सकते हो, कितना फ़ोन में हमारा फेसबुक आईडी जो है लॉगिन किया गया है और कब कब किया गया है, और अभी जो रिसेंटली जो है हमारा आईडी कितना फ़ोनों में इस्तेमाल हो रहा है कैसे आप पता कर सकते हो, और अगर आपका आईडी कोई हैक भी कर लिया है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि हमारा आईडी किसने हैक किया है, और वहाँ से चेक करके आप इसी फ़ोन से आप उसको लॉग आउट मार सकते हो जो भी फ़ोन में लॉगिन है नहीं। तो चलिए जानते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन में अपने फेसबुक ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करना है, थ्री लाइन पे जाना है और नीचे में जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग एंड प्राइवेसी में, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन आएगा तो सेटिंग पर फिर से क्लिक करेंगे। सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो देन ही ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ देख सकते हो सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देन ही ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। और होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि अभी एक्टिव दिखा रहा है, ये जो है Redmi Note 7 Pro में जो कि जस्ट अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोकेशन बढ़िया इंडिया दिखा रहा है। और सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कितना सारे फ़ोन में हमारा आईडी जो है लॉगिन किया गया है, खुद से हम ही लॉगिन किए हैं, और कहाँ कहाँ लोकेशन के साथ में यहाँ शो हो रहा है देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पहले वाला फ़ोन था मेरा Redmi 5 था, तो ये मेरे ही फ़ोन में लॉगिन किया गया है और कब कब किया गया है सारे डेट यहाँ शो हो रहा है नीचे में, तो ऐसे करके देख सकते हो। और अगर आपका आईडी हैक हो गया होगा तो एक्टिव दिखाएगा वो एक कोई और भी फ़ोन में जो कि अभी एक्टिव दिखा रहा है, जो कि अभी जो देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro में जो पहाड़िया इंडिया अभी लोकेशन दिखा रहा है। तो अगर कोई हैक किया है तो इसी तरीके से अदर भी फ़ोन का यहाँ पर शो होगा एक्टिव ना हो, वो चाहे तो डिलीट कर सकते हो इसी फ़ोन से। कैसे करना है तो मान के चलिए मेरा ये जो फ़ोन है ये सेकेंड वाला दूसरा का फ़ोन है, इसमें भी लॉगिन है, तो इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं लॉग आउट मार देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा उसके फ़ोन से।